कोई देश महान खराब नहीं होता, उसके रहने वाले लोग उसको अच्छा या खराब बनाते हैं। जापान के व्यक्ति जब रिटायर होता है तो अपना पेंशन सरकार को दे देता है दान में कि हम अभी भी कुछ न कुछ काम करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। हमारे यहाँ लोग सरकारी नौकरी इसीलिए करते हैं कि पेंशन मिलेगा। कितना फर्क होता है एक देश में। वक्त रहते अमेरिका को पूछ लेना चाहिए कि कैसे हो, नहीं तो पूछना पड़ेगा कि कैसे हो गए। त्रिगोरिया हो गया, अब ये हो गया आपका जापान। ये देश जापान, देखिए जापान को, ये देश कौन है? जापान। और बड़ी डेवलप देश है जापान। परेशान है जापान, यहां जनसंख्या नहीं बढ़ रहा है। यहां जागरूक किया जाता है लोगों को कि आप बच्चे को जन्म दीजिए, इससे देश के लिए दिक्कत हो गया। वहां के लोग इतने बिजी हैं, कहते हैं एक लड़का हो गए बहुत है यहाँ पर, नहीं समझे। अब किसी का ब्याह शादी हुआ 25 की उम्र में ना, अब वो क्या किया है, अपने बिजनेस पे ध्यान दिया, कंपनी पे ध्यान दिया, कंपनी का ग्रोथ हुआ, 25 साल पे ब्याह होगा। अब वो सोचेगा जब 40-42 का हो जाएगा तो कहेगा अब हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, अब बाल बच्चे होना चाहिए। हमारे यहाँ अबे किसी का अगर ब्याह मार्च के पहले होता है ना तो उसी साल हटा देता है। हमारे यहाँ तो जनसंख्या ही कोई समस्या ही नहीं है, पूरी दुनिया को पीछे कर दिया हम लोग, एक नंबर पे आ गए। देखिए जनसंख्या को बहुत ज्यादा कम कर दीजिएगा ना, इसका निगेटिव भुगतान आपको देखने को मिलता है 30 से 40 साल के बाद। तुम अंगड़ाई वाला सब थकान निकाल देंगे तुम्हारा। जब आप जनसंख्या को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर देते हैं ना, 30 से 40 साल बाद इसका निगेटिव असर देखने को मिलता है। देश में युवाओं की कमी होती है, क्योंकि एक लड़के रहेगा तो भाई देखिए, जब मान के चलिए कोई शादीशुदा कोई आदमी है, उसका लड़का एक ही हुआ, तो लड़का कब बड़ा होगा? जब तक वो 20-25 साल का काम करने के लायक स्किल्ड सीखते सीखते उसे 25 हो जाता है, 18 साल से पहले तो काम करने नहीं देगा, फिर स्किल्ड सीखते एक्सपीरियंस लेते अच्छे जगह सेटल होते होते 25 साल हो जाता है। जब कोई लड़का 25 होगा तो उसके माता पिता 50-55 के हो जाते हैं कि नहीं? तू 50-55 के बूढ़े हो गए तो दो आदमी बूढ़ा हुआ, समझाया, और उसके जगह दो आदमी आ गया तो देश से क्या हो जाता है, सेचुरेट होता है, हो गया कि नहीं हो गया? मैं 25 साल में सेटल हो गया, इसका भी शादी हुआ और इसके माँ बाप क्या हो गए, बूढ़े हो गए। तो उससे 25 से 30 साल बाद इसका एक निगेटिव असर देखने को मिलता है। यही चाइना में दिखा और यही जापान में दिखा, और इतना ना जापान में दिख गया यहाँ पर कि जापान अब जागरूक कर रहा है, भारत से ले जाए किसी किसी को। यूपी बिहार बंगाल झारखंड, हमारे यहाँ जनसंख्या की तो कोई समस्या ही नहीं है, कोई जागरूक करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया कि नहीं गया? तो जापान बहुत टेक्नोलॉजी से बहुत संपन्न। देखिए कहीं पे भी अगर आप देखिएगा, यदि समाज बहुत ज्यादा पढ़ लिया या बहुत ज्यादा पैसा आ गया तब वो लोग के पास जनसंख्या ज्यादा नहीं होती है। बहुत ज्यादा अमीर हो गए ना तो उनके पास बहुत सारे स्कोप दिखाई देने लगते हैं, ये बिजनेस करना है, यहाँ घर खरीद लेना है, दिल्ली में घर हो गया तो एक मुंबई में होना चाहिए, को यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, बिजनेस अब दुबई चले घूमने, मालदीव चले घूमने, और ज्यादा वो सब नहीं रहेगा, अपने परिवार में रहेगा, दो गो हो गए लो, उनका तीन गो हो। तो जापान अभी जनसंख्या कम है, इससे लेके क्या हो रहा है, जूझ रहा है जापान। जापान के पास 3800 द्वीप है, कितने द्वीप है? 38। जापान के 66% एरिया पे जंगल है, इतना डेवलप होने के बावजूद उसके 66% एरिया पे क्या है, जंगल, जबकि पर्यावरण को बैलेंस करने के लिए 33% जंगल का होना जरूरी है, और उसके पास कितना है, हमारे पास ना फैक्ट्री है ना इंडस्ट्री है, तब वो 24% 23.5 है, 24%। समझ आ रहा कि नहीं आ गया? जापान का एक शहर था, नाम था उसका किमिशिराटाकी। किमिशिराटाकी में एक रेलवे स्टेशन था, हल्ला नहीं कर गया, नहीं मिला तो छोड़ दो, वहां रेलवे स्टेशन था, उस रेलवे स्टेशन को बंद करने का प्रस्ताव आ गया, क्योंकि उस रेलवे स्टेशन पर टिकट ही नहीं बिकती थी,
केवल एक टिकट बिकता था एक दिन भर में, और वो एक लड़की वहां से अपने कॉलेज जाती थी और वापस किमी सराटाकी पे आ जाती थी। रिपोर्ट लगाया गया कि एक ही टिकट बिकता है एक दिन में, तो इस रेलवे स्टेशन में भारी भरकम 400 कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है रेलवे स्टेशन पे, कोई सिग्नल मेंटेनर, कोई ये सफाई, पूरा रेलवे का तो अपना प्रोटोकॉल होगा, इतने लोग लगेंगे। तो पता चला कि लड़की डेली कहाँ जाती, तो बताया गया कि उसको ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी फर्स्ट ईयर में है, इसीलिए वो जाती है। तो जापान सरकार ने प्रस्ताव दिया कि जब तक ये लड़की का पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक 3 साल तक ये ट्रेन ऐसी ही चलती रहेगी, स्टेशन यही रहेगा। इतना ज्यादा वो लोग जागरूक है, सोचिए एक एजुकेशन के लिए। और अच्छा, वो स्टेशन बंद करके वहां से उसको कैब दे देते लोग, एक टैक्सी जाओ, इतना बड़ा ट्रेन ले जाने की जरूरत क्या है, टैक्सी दे देते लोग ना। तो दुनिया यही कहती कि जापान पैसे को महत्व देता है। किसको महत्व देता है? पैसे को। क्योंकि ट्रेन बंद करके एक सरकारी टैक्सी दे देता, बस चालू कर देता, कम खर्चा लगता है। लेकिन जापान दुनिया को मैसेज देना चाहता है कि मेरे लिए पैसा बाद में मायने रखता है, पहले एजुकेशन मायने रखता है। समझा गया कि नहीं? गया। ये देश होता है, कोई देश महान खराब नहीं होता, उसके रहने वाले लोग उसको अच्छा या खराब बनाते हैं। हम लोग कैसे है? कितना जागरूक देश है, सोचिए वहां पर इतनी ज्यादा सिंसियरिटी होती है किसी देश के अंदर। जापान, जापान के व्यक्ति जब रिटायर होता है तो अपना पेंशन सरकार को दे देता है दान में, कि हम अभी भी कुछ ना कुछ काम करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। वो कोई छोटा बिजनेस लगा देता है, कोई रेस्टोरेंट खोल देगा, कोई आइसक्रीम की दुकान लगा देगा, कोई घड़ी रिपेयरिंग लगा देगा, जो जानता है उस हिसाब से वो लगा देगा और अपना जीवन जी लेगा। और हमारे यहाँ लोग सरकारी नौकरी इसीलिए करते हैं कि पेंशन मिलेगा। कितना फर्क होता है एक देश में, बहुत ज्यादा क्या है डिफरेंसेज है हमारे यहाँ। उसके रीजन भी है क्यों हम अपने देश के लिए छोड़ते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है अगर वो पैसे छोड़ते हैं तो जो उनके देश के जो शीर्ष लोग बैठे हुए हैं वो इसका सदुपयोग करेंगे। हम लोग छोड़ेंगे तो ऊपरा का नेतवा लूट लेगा। इससे अच्छा अपने रखे रहो हम। ऐसा नहीं केवल हम लोग गड़बड़ है, माहौल भी उसी लाग कर देता। आप छोड़िएगा जी, हाँ सपोज कीजिए कि किसी के पास 50-100 बीघा जमीन है और वो चाहता है 50 बीघा दान दे दे, तो दे सकता है। लेकिन अगर सरकार वहां पे कोई हॉस्पिटल खोल दे तब पता चला दान देगा सरकार रोक लेगी, तो क्या देगा यहाँ पे? क्यूरियल द्वीप समूह किन दो देशों के बीच है? जापान और रूस के बीच। जापान कहता है कि मेरा है और रूस कहता है कि मेरा है। इसी को लेके 1905 में युद्ध हो गया। कब युद्ध हो गया? 1905 में। जापान कह रहा है कि मेरा है और रूस कहता है कि मेरा है। 1905 में युद्ध हो गया। कब युद्ध हुआ? 1905 में युद्ध हो गया और जापान रूस को मार के हरा दिया। जापान ने रूस को मार के हरा दिया 1905 में। जापान ने अमेरिका को भी हरा दिया था। बस एक चीज हो गया कि अमेरिका के पास परमाणु बम पहले लग गया। जापान भी परमाणु बम बना लेता लेकिन उसे बनाने में 5 साल का समय लगता और अमेरिका के पास परमाणु बम आ चुका था। 5 साल में तो जापान को नक्शा से गायब कर देता। तो मजबूरी है, वक्त बलवान होता है, समय। इसीलिए हम लोग पहले जब हमारे पास परमाणु बम नहीं था ना तो बाबू भैया दादा सब कहते फिरते थे लोग, अरे आप ही है अमरीका, अरे यार हम आपको नाराज कहाँ करते, पाकिस्तान से तनी दिक्कत है इसलिए ना कहते। परमाणु बम बन गया, समझा? वक्त रहते अमेरिका को पूछ लेना चाहिए कि कैसे हो, नहीं तो पूछना पड़ेगा कि कैसे हो गए, समझाया ना? तो वक्त रहते उसने नहीं पूछा कि कैसे हो, अब कहता है कैसे हो गए। वक्त का खेल है यार। तो कैसे हो गए इससे पहले पूछ लेना चाहिए कि कैसे हो, नहीं तो बदल जाएगा वहां पर। आज तो नहीं बोले ना कोई भारत से, मार देगा आदमी परमाणु बम, धाय दे दिया जाएंगे कोई यहाँ पे, जरूरत से ज्यादा कूदेंगे तो। मिल गया? Yes, sir. अब आगे का क्लास कल समझे।